और बीजेपी कर रही है जो राष्ट्रपति का इन्होंने बातें रखी थी जो हम लोगों ने स्वीकार नहीं की, क्योंकि हमारा बड़ी पार्टी है जदयू जो है तमाम बातों को झुठलाना चाहती है, बोलना चाहती है, क्या कैसे देखते हैं इसको? भाई तथ्य सामने ही है ना, 6 अगस्त के बाद ही क्यों क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, अगर 2019 के 2020 के चुनाव के बाद ही ये खटक रहा था कि भाई हमसे धोखा हुआ है, आज 22 महीने के बाद इनको चिराग मॉडल इनको याद आ रहा है। 22 महीने पहले चुनाव हुआ था, 2020 के नवंबर अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुए थे, नवंबर में परिणाम आए थे, उस वक्त से इनको अभी तक याद नहीं आया, क्यों इन्होंने अगस्त तक का वेट किया बताए ना मुझे। और भाई हम लोग भी राजनीति में हैं, हम लोग भी जानकारी हम लोग को मिलती है, सब यस प्रयास इनके द्वारा पूरी तरीके से किया जा रहा था, राष्ट्रपति का प्रयास हो रहा था, भैया बिना आग के धुआं तो नहीं उठता ना। जब ये बुगाहट भी चल रही थी कि भैया प्रेसिडेंट के लिए इनका नाम चल रहा था काफी समय तक, नहीं वो हुआ, उसके बाद इन्होंने आखिरी दांव खेलने का संभवता प्रयास किया होगा, यकीनन प्रयास किया होगा कि उपराष्ट्रपति बने, नहीं तो टाइमिंग इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती कि उधर उपराष्ट्रपति शपथ ले रहे हैं और इधर मुख्यमंत्री जी को 22 महीने पहले वाला चिराग मॉडल याद आ रहा है, और यकायक मुख्यमंत्री जी को पता चल रहा है कि उनकी पार्टी को तोड़ने की साजिश की जा रही है। ये तमाम बातें हकीकत है, जैसा मैं बार बार बोलता हूँ भाई कि मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी के अलावा वो किसी के सगे नहीं है, मुख्यमंत्री जी सिर्फ कुर्सी कैसे उनको मिल जाए और इसके लिए वो प्रयासरत रहते हैं। अब उपराष्ट्रपति की कुर्सी नहीं मिली तो यकीनन 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी का ये प्रयास करेंगे, पर बार बार मैं बोलता हूँ कि जब जब विपक्ष में ऐसे महत्वाकांक्षी नेता आते हैं तब तब विपक्ष और ज्यादा बढ़ता है और भारतीय जनता पार्टी मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राहें वो लोग और आसान करते हैं। विपक्षी एकता एक भ्रम मात्र बना के रख दिया है इन तमाम महत्वाकांक्षी नेताओं ने। जब आप एक मंच पर विपक्षी एकता वाले हाथ पकड़े हुए देखते हैं, जब एक मंच पर तमाम विपक्षी नेता हाथ पकड़ कर खड़े होते हैं तो एक साथ कम से कम एक दर्जन आपको प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिख जाते हैं, और खास तौर पर ऐसे नेता जिनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। ममता बनर्जी जी उधर से हैं, इधर से नीतीश कुमार जी अब चले गए, आपस में इन लोगों का सर फुटबॉल ले लोग करेंगे, हमको बनना है पीएम, हमको बनना है। हकीकत है कि भैया जब तक आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं कम से कम मुख्यमंत्री ढंग से बन जाइए, कम से कम बिहार की तब तक चिंता कर लीजिए, पर सिर्फ अपनी बड़ी कुर्सी की लालसा में इन्होंने बिहार को पूरी तरीके से इग्नोर किया और बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा किया। 2025 तक ये सरकार चल जाएगी महागठबंधन? भाई नहीं चलेगी, आप 2024 में ही देखिएगा फॉल आउट होना शुरू हो जाएगा। कारण क्या? क्योंकि 2024 में प्रधानमंत्री पद के दावेदारी के नाम चर्चा में आने लग जाएंगे। कांग्रेस एक बड़ी दावेदार है उसमें, ममता बनर्जी एक बड़ी दावेदार वो हैं, अपने आप को मानती तो हैं कम से कम वो दावेदार के तौर पर, और भी कई हैं, शरद पवार जी हैं, तमाम नेता हैं वहाँ पर। अब जब उसमें जब कोई एक आम सहमति नहीं बनेगी और जैसे ही विपक्ष बटेगा, ये होता है, ये होता आया है, ये भानुमति के कुनबे की तरह सब जोड़ने लगते हैं और एक एक करके वो कुनबा पूरा ढहता है, हर बार इकट्ठा होता है, जितनी जल्दी इकट्ठा होता है उससे ज़्यादा जल्दी वो ढह जाता है। तो उसमें देखिएगा 2024 में जैसे ही मुख्यमंत्री जी के नाम को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा प्रधानमंत्री के लिए, उस वक्त पुनः मुख्यमंत्री पाला बदलने का प्रयास करेंगे, फिर वो कोशिश करेंगे कि कोई नया अलायंस बनाया जाए, कोई नया गठबंधन बनाया जाए, और कोई ताज्जुब नहीं होगा कि एकदम कोई नया गठबंधन 2024 के बाद मुख्यमंत्री जी लेकर आ जाएं, क्योंकि अब तो बहुत इन्होंने खेल लिया ना महागठबंधन एनडीए, महागठबंधन एनडीए बहुत समय से, भैया लगभग पिछले 30-32 साल से, 90 के दशक से आप देख रहे हैं, तब से इन्हीं दोनों की ना सरकार चल रही है, राजद की उधर सरकार चली, इधर मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री रहे। ये जो अभी तक बोलते थे कि अरे जाओ जाकर अपने बाप दादा से पूछो 15 साल पहले का बिहार कैसा है, वही 15 साल पहले का बिहार ना ये लाना चाह रहे हैं, तो बदला क्या? आपने एक सवाल है।